और वैसे एक चीज़ है कि आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जिसको मैंने रिप्लाई नहीं दे पाया, तो वो सब कमेंट वगैरह का मैंने रिप्लाई ब्लॉग के थ्रू में बीच बीच में मैं आप लोग का क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूँ। तो आप लोग अगर स्किप करके देखोगे तो वो पार्ट आप मिस कर जाओगे, तो आपका डाउट कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए वीडियो को विदाउट स्किप देखना जरूर। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन एंड जैन सबको। सो गाइस, आज है सैटरडे एंड अभी टाइम हो रहा है 6:30, और जस्ट अभी उठा हूँ मैं, तो फ्रेश व्रेश होना है, 12 बजे से ड्यूटी है, तो मेरे पास कुछ टाइम है आज, तो अभी फिलहाल चलते हैं, फ्रेश वगैरह होता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो रहा है, फिर ब्रेकफास्ट खाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अभी फ्रेश व्रेश वगैरह हो गया, तो ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो रहा है, जब तक ब्रेकफास्ट आता है तब तक मैं सोच रहा हूँ कि आज मैगी बनाया जाए, तो ये मैगी बनाते हैं अभी। तो कभी कभी वैसे लंगर से तो आ ही जाता है, और काफ़ी लोग ने पूछा था, किसी किसी ने पूछा था कि आश्रम में खाना फ्री है क्या? तो यार आश्रम में खाना फ्री है, मतलब स्केल होता है आपका एक दिन का, तो और जैसे कि आप छुट्टी में हो तो तब भी मिल जाता है राशन मनी वगैरह मिलता है आपका छुट्टी का, तो अपना राशन कहीं भी नहीं जाता, वो आपको पैसा मिल जाता है अगर आप जब छुट्टी में हो तो। ठीक है, तो राशन फ्री है, तो दूसरे जैसे मतलब खाना पेमेंट नहीं होता लंगर में आश्रम के अंदर। तो चलिए अभी मैगी बनाते हैं, जब तक ब्रेकफास्ट आता है। शुरू में हम पानी डालेंगे, ठीक है, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, मेरे को सूप टाइप अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी टाइप का अच्छा लगता है, तो थोड़ा सूखा सूखा अच्छा लगता है, तो पहले पानी डालते हैं, थोड़ा देर पानी गर्म होता है तब तक इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे ठंड बहुत है यार गाइस, एक्चुअली में तो आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपकी स्टेट में अभी कितना ठंडा है थोड़ा कमेंट में जरूर बताना, लेकिन यहाँ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यार। पानी पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है गाइस, अभी थोड़ा मसाला वगैरह डाल दे रहा हूँ, पहले मसाला ही डालते हैं शायद, तो पता नहीं आप लोग कैसे बना के खाते हो, लेकिन मैं तो शुरू में पहले पानी गर्म होने के बाद मसाला डालता हूँ। मसाला आ गया ब्रेकफास्ट, क्या है आज मेनू, क्या ब्रेकफास्ट है? पूरी पूरी सब्जी सब्जी का ब्रेकफास्ट, फ्रूट में बनाना है, ये पत्ता गोभी और चना मिक्स कर रखा है इसमें, और ये पूरी, इसमें चाय लेके आ रखा है, तो आज यही है, और इधर मैगी बना रहा हूँ मैं। तो अभी डाल देते हैं, स्टोर हो गया, जल्दी करना है, टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी जल्दी टाइम कवर करना है। मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये लोग कॉलेज में जाना पड़ेगा ना, तो जल्दी करना है इसमें। तो मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया गाइस, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह खाता हूँ मैं, फिर उसके बाद मिलेंगे, ठीक इतना है? लाइट है, हल्का ब्रेकफास्ट बहुत हल्का है, ओए मत डालो ना वो। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट वगैरह खाता हूँ, फिर मिलेंगे। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह खा के कंप्लीट हुआ, तो अभी थोड़ा धूप में बैठते हैं, बढ़िया सा धूप लग रहा है, पीछे देख रहे हो सीधा, तो अभी धूप सेकेंगे हम थोड़ा देर यहाँ पे, फिर उसके बाद चलता हूँ ऊपर। और मेरे सब्सक्राइबर लोग ने, काफ़ी दोस्तों लोग ने पूछा था कि असम राइफल से असिस्टेंट कमांड के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए कैसे ट्राई कर सकते हैं बोल के, तो ऐसा होता है असम राइफल के अंदर में 13 ईयर्स आपको मैक्सिमम सर्विस चाहिए इसको ट्राई करने के लिए, और उससे पहले आप लोग मतलब जितने भी क्लास कैडर वगैरह कोर्स जितना भी करना उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, तो वो सब वगैरह आपको पहले ही ख़त्म कर लेना है, मतलब सब कुछ कोर्स वगैरह करना होता है, एंड उसके बाद 13 ईयर्स के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा।
तो ये था एक्सचेंज कमांडेंट के बारे में। और दूसरे बोले थे कि जीडी से और कोई भी टेक्निकल ट्रेड या ट्रेड से हम दूसरे ट्रेड में कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो हर साल अपने अपने यूनिट में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलते ही आपने उसको फिलअप करना है। जैसे क्लर्क के लिए ट्राई करना चाहते हो तो लो ट्रेड से मतलब हाई ट्रेड के लिए, हाई रैंक के लिए ही सिर्फ ट्रेड चेंज होता है उसमें, ठीक है। तो उसका फॉर्म खुलता है जब, हर साल खुलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसमें आप दे के फॉर्म फिलअप करके फिर उसको एग्ज़ाम देना होता है। तो फिर एग्ज़ाम देने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। इस तरीके से वो रमेश मतलब ट्रेड चेंज कर सकते हैं हम। तो यही है, और बाकी व्लॉग एंजॉय कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। चलो तो कैसा, अब मेरा ड्यूटी जाने का टाइम भी हो रहा है, तो शू वगैरह पॉलिश करना है मैंने, तो शू वगैरह पॉलिश करता हूँ फिर उसके बाद। सो गाइस, पॉलिश करके डन, खत्म हो गया। सो गाइस, तो रेडी हो चुका हूँ मैं, और 11:30 हो गया, तो चलता हूँ अभी। 12 बजे ड्यूटी है, खाना वाना उधर ही खाएंगे फिर उसके बाद वहीं से ड्यूटी के लिए। चलो थैंक यू सो मच गाइस फॉर 5K सब्सक्राइबर। सो गाइस, मैं जस्ट अभी खाना वाना खा के अपने ड्यूटी में पहुंच चुका हूँ, और मेरा अभी शाम को 6 बजे तक ड्यूटी रहेगा। एंड 6 बजे तो शाम को जब मैं जाऊँगा तो उस टाइम में अंधेरा रहेगा, तो वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा उस टाइम में, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और काफ़ी सारे जो डाउट वगैरह मैंने आप लोग को, क्वेश्चंस वगैरह जितने भी आपने पूछे थे, मैंने ब्लॉग के थ्रू में बता दिया है। तो इसीलिए ब्लॉग वगैरह, कभी भी ब्लॉग आता है मेरा, तो उसमें अच्छे से मतलब विदाउट स्किप देखा कीजिए, ताकि मैं उसमें आप लोग का क्वेश्चंस वगैरह का भी जवाब दे देता हूँ उसमें, और बहुत चीज़ वगैरह आपके इसमें क्लियर कर देता हूँ मैं बता के। तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखना, आई मीन स्किप करके मत देखना। तो चलिए वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे, तब तक के लिए जय हिंद।